हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट यहाँ से गिरना क्या किया, स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट में क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है ना, मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है ना, मार्केट लोअर लो बनाता जा रहा है, फिर हाई बना के फिर लो बनाया, फिर मार्केट हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है। इस बार जो लो बना, क्या प्रीवियस लो के नीचे मार्केट आया? नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में आप इसको समझिए, यहां से सेलर्स लोग आए हैं, मार्केट सेलर्स को पैसा बना के दे रहा है, कंटिन्यू मार्केट सेलर्स को क्या किया, पैसा बना के दिया है, यहां से यहां तक उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, जो लोग भी डाउन साइड का ट्रेड लगाए, यहां पे कितने लोग प्लान करेंगे और डाउन साइड का, ऑलरेडी वो लोग अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं, बहुत रेयर केस में कोई यहां से डाउन साइड का प्लानिंग करेगा। और अगर हम लोग देखेंगे सही से, तो यहां से यहां जितने भी लोग आए वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, यहां पे एग्जिट लेंगे, माइंड में ये है कि यहां से अगर मार्केट रिवर्स हो तो उसको एग्जिट लेना है। प्रीवियस यहां पे बैक साइड में क्या है उसको चेक कर लेते हैं। तो बैक साइड में अगर हम लोग अब आके देखेंगे तो यहां पे इसका क्या नजर आ रहा है, एक स्ट्रांग सपोर्ट। तो ये सपोर्ट को देखने के बाद जितने भी लोग यहां से डाउन साइड का ट्रेड लगा उनका प्लानिंग क्या है, एग्जिट लेना कि और डाउन साइड में ऐड करना पोजीशन, एग्जिट। यानी कि जितने भी लोग डाउन साइड का प्लानिंग किए थे वो लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे, यहां से ब्रेकडाउन के बारे में उतना नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लोगों को पैसा बना के दिया और यहां पे लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि उनका स्टॉप लॉस क्या हो जाए, हिट हो जाए। तो जैसे ही मार्केट देखे प्रीवियस जो हाई है ये स्टॉप लॉस होता है उनका नॉर्मल, देखिए ये हाई उनका स्टॉप लॉस पॉइंट बनता, जैसे ही मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ा लोगों का स्टॉप लॉस क्या हुआ, यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। अब यहां से देखिए मार्केट ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे अगर आप एकदम एडवांस एंट्री लेना, कोई ट्रेडिंग वगैरह का भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल मार्केट का लॉजिक को समझिए, मार्केट क्या कहना चाहता है, ब्रेकआउट आया यहाँ से बाइंग जोन आया, क्योंकि जब सेलर्स निकलेंगे तो बायर्स तो आएंगे, मार्केट एक डायरेक्शन तो चूज करेगा, और ये सपोर्ट है तो सपोर्ट पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आता है, मतलब वो आता है रिवर्सल आता है, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, क्या प्रीवियस लो के नीचे अब आ पा रहा है, ये रेसिस्टेंस तो ये सपोर्ट है ना। तो अब हम लोग को क्या देखने को मिला, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी बाइंग किया या इस जगह पे कोई भी बाइंग किया तो उसका सपोर्ट के नीचे, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है उसके नीचे वो स्टॉप लॉस आए तो सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनकेस मार्केट नीचे आता तो हम एग्जिट ले लेंगे, यही प्लानिंग करते हैं ना हम लोग, स्टॉप लॉस लेकर प्लानिंग करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस प्लानिंग नहीं कर रहे, तो हम लोग ये क्लियर है। अगर यहाँ पे भी नहीं करते हैं तो रिटेस्ट वाले जोन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री वापस ले सकते हैं कि हाँ रिटेस्ट वगैरह होता है या फिर यहाँ पे कोई रेंज वगैरह बनता है तो अपना एंट्री कन्फर्म होगा। लेकिन ये सब जगह पे छोटा छोटा क्वांटिटी क्या करते लोग ऐड करते हैं, बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे रिटेलर्स लोग आ रहे हैं वो लोग एंट्री ले रहे हैं। बड़ा पैसा कब आता है, जब मार्केट रेंज क्रिएट करता है, बड़े रेंज के बाद क्या होता है हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिलता है ना। यहाँ पे क्या हो गया, रेंज अपना क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब अगर आप देखेंगे सही से तो लास्ट ये अपना ट्रेड लाइन है, जिस ट्रेड लाइन का ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट आने का मतलब सेलिंग जोन खत्म है, सेलर्स अगर आएंगे भी तो उनको सपोर्ट पे निकल जाना पड़ेगा, लास्ट अगर वो लोग यहाँ से गिरता भी मार्केट तो ये सपोर्ट तक ही गिरेगा, वापस सपोर्ट आने के बाद अपसाइड में जाने की कोशिश करें, तो डाउन साइड का प्लानिंग तो कोई करने वाला है नहीं अब, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक डाउन साइड में लोगों को पैसा बना के मार्केट दे चुका है। जैसे ही मार्केट रेंज क्रिएट किया लोग कन्फर्म हो गए कि फाइटिंग स्टार्ट है ना, इलेक्शन आता है तो देखिए टीएमसी बीजेपी को मार रहा है, बीजेपी टीएमसी को मार रहा है, इधर पार्टी पॉलिटिक्स में लड़ाई हो रहा है, लेकिन लोग नहीं दिखेंगे, यानी कि भीड़ भाड़ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि बाहर के लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, अंदर में जो लोग है वही लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कोई एक जन जीत गया, समझिए टीएमसी जीता या फिर बीजेपी जीत गया, ठीक है, दो ही पार्टी को हम लोग रख रहे हैं, अब समझिए यहाँ पे कोई भी एक जन जीत गया तो यहाँ पे जितने लोग भी है ना, यहाँ पे उतने लोग हाईलाइट नहीं थे फाइटिंग में, लेकिन जैसे जीतेगा आपको दिखेगा कि हर किसी के हाथ में आपका खुद का दोस्त को देखे हो ये झंडा पकड़ के चल रहे हो, तुम भी ये पार्टी कर रहा था,
ये क्या हुआ, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नेचर है, जहां लोग जीते लोग उसके सपोर्ट में चलना है, क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब उनको एक्सेप्ट करना होगा। तो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे रहा, देखिए वॉल्यूम आना स्टार्ट, यानी कि मतलब क्या है इसका, लोगों का इंटरेस्ट नजर आने लगा। यहाँ पे कौन जीत गया, बायर्स, क्योंकि लास्ट रेसिस्टेंस, लास्ट फाइटिंग जोन यही था, क्योंकि इसके बाद अब कोई रोकने वाला है नहीं। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, जो इसका रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस पे जाके ये अपना क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग। अब ये लो फ्लो में जो मार्केट ऊपर गया, इन सब को हम लोगों को क्या करना, नजरअंदाज करना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ऐसे में बुलिश है। जो लोग भी पोजिशनल ट्रेड कैरी कर रहे हैं उनके लिए ये सब प्रॉफिट बुकिंग जोन नहीं है, उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन और ऊपर में नजर आ रहा है। कहाँ पे है प्रॉफिट बुकिंग जोन, 246 के पास में। तो यहाँ पे जो लोग भी अपना पोजीशन बना के रखे हैं वो लोग यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, पोजीशन को कैरी करेंगे 246 तक। क्लियर हुआ।